हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और होली की तैयारियां हो गई सबके यहाँ, मेरे यहाँ भी चल रही हैं। और आज मेरे यहाँ है गुजिया मिशन तो आज गुजिया बनेगी मेरे यहाँ। और आप लोगों के यहाँ बन गई कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और क्या हो रहा है आप लोगों के यहाँ? मेरे यहाँ आज गुजिया बनेगी और मीठे शक्कर पारे बनेंगे और बनेगी गरी की बर्फी। तो जो जो बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी और आप लोग कैसे कैसे मनाते हैं प्लीज़ बताइएगा। और हम रंग तो नहीं खेलते हैं, लेकिन मुझे होली देखने में बहुत मज़ा आता है मतलब और लोग रंगे जा रहे हों और मैं सिर्फ देखूं दूर से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और छोटे में तो मैंने अपनी सारी होली बेकार कर ली थी, क्योंकि मैं बहुत डरपोंक थी छोटे में कोई मुझे रंग लगा देता था तो मैं रोना शुरू हो जाती थी और लेकिन देखने भी ज़रूर जाती थी। और मुझे नहीं पता होता था कि अगर देख भी रहे हैं तो आपको रंग लगा दिया जाएगा, और देखने का बड़ा शौक था तो रंग लगा दिया जाता था और रोते रोते घर आ जाती थी तो बचपन में तो मैंने अपनी सारी होली खराब कर ली बहुत डरपोंक हुआ करती थी मैं बचपन में। अब बड़े होके डरपोंक तो नहीं हूँ बट रंग ज़्यादा छुड़ाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं दूर से ही रंग देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ छत पे जाके दूर से लोगों को देखती हूँ रंगते हुए काले पीले चेहरे लेके ओके फ्रेंड्स, तो मैं चलती हूँ अपने गुजिया मिशन पर और आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा ब्लॉग। प्लीज़ देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो फिर मैं चलती हूँ, आप पूरा ब्लॉग देखिएगा। ओके तो फ्रेंड्स, ये मैंने निकाल लिया है खोया, अभी ये पॉलीथिन में रखा था, इसको फ्रिज में रखा हुआ था तो ये बहुत टाइट सा हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे और फिर प्लेट में निकाल के कढ़ाई में भून लेंगे थोड़ा सा। मेरी सासू माँ थोड़ा खोया पहले भून लेती हैं तब वो गुजिया में भरते हैं, जिससे गुजिया जल्दी ख़राब ना हो। ओके, तो मैं फिर ये खोया भून में रख देती हूँ। मैंने खोए को पॉलीथिन से निकाल के अब प्लेट में मैश कर लिया है और इसे अब मैं भून लेती हूँ। कढ़ाई में डाल दिया है और अब ये ऐसा हो गया है। धीरे धीरे इसको जब तक हल्का हल्का रेड रेड नहीं हो जाएगा जब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। और बोलते हैं जितना भूनते टाइम घी निकलता है इसमें से उतना ही खोया अच्छा माना जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें घी निकलता है, निकलेगा तो गुजिया तो मेरे को बनानी है फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस, खोया तो भुन गया है और खोया अच्छा भी था, भूनते भूनते काफ़ी चिकनाहट हो गई थी इसमें, अच्छे से भुन जाएगा। अभी और भूनना है। फ्रेंड्स, अभी इतनी गुजिया बनी है, अभी और बन रही हैं। जितनी बन गई हैं उन्हें मैंने यहाँ पर सजा दिया है और ये अभी यहीं पर रहेंगी गुजिया। फिर जब पूरी फाइनल बन जाएंगी तब मैं इनको सेकूंगी।
फ्रेंड्स, गुजिया मेरी बन गई हैं और ये हैं मीठे शक्कर पारे। ये मैदा के ही बनते हैं। मैदे का आटा सान के फिर छोटे छोटे पीसेस काट के उसको चाशनी में डाल देते हैं। ये ऐसे बन गए हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरी सासू माँ ने बनाई है गरी की बर्फी। ये अभी थोड़े से पीसेस काटे हैं, बाकी ये इधर है ऐसे, इसको भी बर्फी शेप में काट लेंगे और फिर ये भी तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा नमकीन में, जैसे मीठे बने हैं ऐसे ही नमकीन में बनेंगे, अजवाइन डाल के, मैदे का आटा सान के। और इस तरह पूरा कंप्लीट सारे पकवान बन चुके हैं। आप लोग भी आइए, स्वागत है आप लोगों का होली पर। आप लोगों को होली बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रेंड्स, ये मूंग की दाल है और ये है उड़द की दाल। इन्हीं दोनों दाल के दही बड़े बनेंगे। ये मेरी दही बड़े की दाल पिस गई है, अब इसके बनेंगे दही बड़े। और ये है मूंग की दाल, इसको भी पीस लिया है, इसके भी छोटे छोटे दही बड़े बनेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जलेगी होली। ऐसे चारों ओर से पन्नियाँ लगा दी गई हैं और लकड़ियाँ भी रख दी गई हैं। शाम को जिस टाइम भी मुहूर्त होगा तब ये होली जला दी जाएगी। और वो देखिए, बाइक पे एक भैया जी गन्ना लेके जा रहे हैं और करीब करीब सभी लोग आज सुबह से मैं देख रही हूँ गन्ने लेके इधर उधर निकल रहे हैं। शाम को सब जलाएंगे होली में।